प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर आज रतनगढ़ के पादार गेस्ट हाउस में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। रतनगढ़ मंडल विस्तारक महावीर कुमावत ने मंडल कार्यकारिणी को साधुवाद देते हुए कहा कि हम सबका यह दायित्व बनता है कि भाजपा की केंद्र सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो, जिससे अंत्योदय का लाभ हर जरूरतमंद को मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सशक्त बूथ का निर्माण होने पर संगठन भी मजबूत होगा। इंदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने 4.5 साल में भ्रष्टाचार में डूबकर खुद का पोषण व जनता का शोषण किया है। इसके अलावा प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ। अब प्रदेश की आम जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के विधानसभा संयोजक नूर मोहम्मद, परसनेऊ मंडल विस्तारक ताराचंद वर्मा, ओबीसी मोर्चा के महामंत्री रामोतार रक्षक आदि उपस्थित रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा के पुत्र भाजपा नेता सुरेंद्र भाभड़ा आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान भाभड़ा ने नगर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर नगरवासियों की समस्याओं की जानकारी ली व अधिकारियों से बात कर समस्या समाधान का आश्वासन दिया। भाभड़ा ने कहा कि उनके पिताजी पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा ने जो संगठन रूपी पौधा लगाया वह आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। सेवा केंद्र के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं व आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद नंदकिशोर भार्गव, मिलापचंद बासनीवाल, पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। देखिए, रतनगढ़ जो है माननीय भाभड़ा साहब की कर्मभूमि रही है और रतनगढ़ उनको विकास कोष के नाम से जानते हैं और मैं चूंकि उनका बेटा हूँ और रतनगढ़ जनता ने जो प्यार और स्नेह माननीय भाभड़ा साहब को दिया है और जो विभिन्न पद उप मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के जो बड़े बड़े पद दिए हैं और रतन की जनता की बदौलत ही मिले हैं, तो थोड़े पिछले करीब 15-20 सालों से माननीय पिताजी को भी ये थी कि भाई रतनगढ़ में क्या स्थिति हो रही, रतनगढ़ कैसा है, तो इसलिए मैं यहाँ बार बार रतनगढ़ स्थिति देखने के लिए और एक मन में वो भी चिंतित रहते हैं कि रतनगढ़ जो कर्मभूमि उनकी रही है अब वहाँ क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ रतनगढ़ में मैंने कल जनता सेवा केंद्र खोला है। तो जितने भी हमारे विभिन्न कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनका सबका कोई समस्याएँ जो कार्य है वो हम वहाँ बैठ कर निराकरण करेंगे और यहाँ मैं सक्रिय हूँ पिछले 1.5 साल से और बस मिलकर काम करेंगे। गांव घांगू में आज हेड कांस्टेबल राधेश्याम शर्मा का ईमानदारी और सेवाभावी सराहनीय कार्यों के लिए अभिनंदन किया गया। राधेश्याम शर्मा आज पुलिस थाना भानीपुरा से अपनी सराहनीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर गांव घांगू पहुंचे तो गांव के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर शर्मा का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान शर्मा को गांव में बने मुख्य द्वार से रथ पर बैठाकर अभिनंदन जुलूस के साथ गांव में प्रवेश करवाया गया। इस अवसर पर बनवारी लाल शर्मा, विद्याधर रेवाड़, जाफर खां आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में अब जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। इस पुनीत कार्य के लिए भुवाल का चैरिटेबल ट्रस्ट ने 9,00,000 रुपए खर्च किए हैं। एम्बुलेंस का उद्घाटन समारोह अग्रसेन भवन में हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने मानव सेवा को सच्ची सेवा बताते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस के संचालन से जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिलेगी। SDM ने इसे परोपकार का कार्य बताते हुए दानदाताओं को साधुवाद दिया। किस विषय में ये रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के द्वारा यहाँ रतनगढ़ में आयोजित किया गया है। इसमें हमारी परिषद ने नई एम्बुलेंस हमने प्रदान करी है। जो पुरानी एम्बुलेंस थी वो जरा कभी थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगी थी, इसलिए संस्था ने हमें नई एम्बुलेंस दी है, जिसके लिए मैं संस्था का यहाँ लोकल प्रतिनिधि होते के नाते मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी संस्था आम तौर पर यहाँ कैंप लगाती रहती है, जिसमें कभी आई कैंप लग रहे हैं, कभी दिस ये पीठ के दर्द के वगैरह के, एक बड़ौदा के डॉक्टर आते हैं जिग्नेश भाई, उनके कैंप लगते रहते हैं। पीछे हमने लंपी में भी गायों की सेवा के लिए बहुत कुछ कार्य किया था और आगे भी हमारी यही इच्छा है कि भी किसी भी ऐसा हाई को या किसी भी संस्था में किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हम अपनी तरफ से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। जो एम्बुलेंस है उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूँ,
कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी गरीब को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो हमारी रुचि यही है कि पहले गरीब को उपलब्ध कराई जाए, पैसे वाले को तो और भी मिल सकती है, गरीब को कहीं नहीं मिल सकती। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये गरीब की सेवा होती रहे। आगे किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम अगर होगा तो हम जनता के हित के लिए वो करने के लिए तैयार रहेंगे। चूरू कलेक्ट्रेट में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को स्पेशल जेड सुरक्षा देने को लेकर आज पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्ण रोयल ने बताया कि सहारनपुर की देवबंद में मनुवादी सोच रखने वाले कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सुनियोजित जानलेवा हमला करवाया जो बेहद गंभीर है। आजाद द्वारा पूर्व में कई बार अपनी सुरक्षा व जान के खतरे के संबंध में सहारनपुर SSP व DGP पुलिस लखनऊ व मुख्यमंत्री को रजिस्टर डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया गया था, परंतु शासन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को जानबूझकर गंभीरता से नहीं लिया, जो बहुत निराशाजनक है। उक्त घटना के कारण समाज के लाखों लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुँचा है। इस मौके पर संजना महिचा, विकास, सुशील पवार आदि मौजूद रहे। हम ज्ञापन देने आए राष्ट्रपति के नाम पे, और इसमें भीमार्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो हमला हुआ है 2 दिन पहले, उसकी जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार रोयल। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया कनीरा में आज महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गाँव के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए तथा ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। गोदारा ने शिविरों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की ओर से संचालित टॉप 10 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर SDM बीदा सर रमेश कुमार, तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। चूरू के दृष्टि क्लब के संयोजन से आज नाथ जी के मठ पर पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्षा मीना, मंजू सोनी, पूजा सोनी, सुनीता गुर्जर, पूनम बजाज, रंजू जालान, पूजा सोनी, सुशीला सराफ आदि उपस्थित रही। हम दृष्टि क्लब की ओर से वृक्षारोपण का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हमें श्री नाथ जी महाराज की छतरी के अंदर वृक्षारोपण पौधे लगाए हैं, और हम बालाजी के मंदिर में पास में वहाँ पे पौधे लगाएंगे। दृष्टि क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, बच्चों ने भी बहुत सहयोग किया। हमने यहाँ पौधे लगाकर बहुत खुशी हुई हमें आनंद। रतनगढ़ के देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता PCC सदस्य पूसाराम गोदारा को 3 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने नियमितीकरण को लेकर अन्य राज्यों के समान वेतन वृद्धि व अन्य कार्यों के लिए मानदेय के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ममता पारिक, मुन्नी शर्मा, आनंदी शर्मा, मुक्ता सोनी आदि मौजूद रही। ABVP की रतनगढ़ इकाई ने सामाजिक अनुभूति अभियान के तहत पिछड़े क्षेत्रों में व गांवों में जाकर उनकी समस्याओं को जानकर समाधान की कोशिश की है। परिषद के नगर मंत्री विशाल स्वामी ने बताया कि ABVP के प्रांत स्तर पर शुरू अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव में जाकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण परिवेश में लोग किन समस्याओं और कमियों के बीच जीवन यापन करते हैं। इस अभियान के दौरान आज कच्ची बस्ती एवं ग्रामीण इलाकों में जाकर परिषद के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण परिवेश, रहन सहन व समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान संयोजक संदीप शर्मा, जितेंद्र महर्षि, कमल गुर्जर आदि उपस्थित रहे। रतन नगर के रामचंद्र सैनी ने अपने भतीजे रघु सैनी एवं भांजी तरुण सैनी के जन्मदिन पर एक विशेष पहल करते हुए हनुमान चालीसा पाठ व श्री श्याम कीर्तन का आयोजन किया। इस अवसर पर अनेक जन उपस्थित रहे। रतनगढ़ में 3 अलग-अलग हादसों में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 3 युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के गांव टीडीआरसा निवासी 25 वर्षीय महिपाल सिंह फतेहपुर के गांव नारी में अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ रहा था। इस दौरान नेशनल हाईवे 11 पर टीडीआरसा व बीरमसर के बीच अचानक उसकी बाइक के सामने मवेशी आ गया, जिससे वह असंतुलित होकर सड़क पर गिर गया और सिर पर गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना में रतनगढ़ निवासी छोटू सिंह गांव के ही ओंकार सिहा के साथ बाइक पर सवार होकर राजल देसर से रतनगढ़ आ रहे थे कि हाईवे पर गांव पाइली के पास मवेशी को बचाते समय उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे छोटू सिंह बीका व ओंकार घायल हो गए, जिन्हें रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। तीसरी घटना में करवारी निवासी शमशाद व रिहान अपने गांव से बाइक पर सवार होकर मैणासर आ रहे थे कि सालासर सड़क मार्ग पर इनकी बाइक अनियंत्रित हो गई तथा दोनों सड़क से नीचे खेतों की बाड़बंदी में गिर गए, जिससे कटीले तारों की चोट आई। परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। भालेरी गांव के पास बाइक के आगे अचानक नील गाय आने से बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। बाइक सवार के भाई चौथू राम ने बताया कि उसका भाई परसाराम बाइक पर सुबह किसी काम से घर के खेत में गया हुआ था। परसाराम खेत में काम करके साहवा रोड से घर की तरफ आ रहा था। परसाराम जैसे ही भालेरी गांव के पास पहुंचा तो रास्ते में सड़क पर अचानक नील गाय आ गई, जिसके कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक सड़क पर स्लिप हो गई, जिसके कारण परसाराम के गंभीर चोट लगी। घायल को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चूरू के गांव दूधवा खारामिया सड़क पर दौड़ती जीप पर पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां जीप में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तथा जीप में सवार अन्य चार जने घायल हो गए। सभी घायलों को दूधवा खारा के पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दो को गंभीर मानते हुए चूरू के डीबी चिकित्सालय में रेफर कर दिया। सड़क पर दौड़ती जीप पर पेड़ गिरने से जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूधवा खारा रेलवे स्टेशन से सवारियां लेकर जीप चालक सुखराम दूधवा खारा गांव में जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार करते समय सड़क किनारे खड़े पीपल के पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर जीप पर आ गिरी, जिससे जीप में सवार 53 वर्षीय इशाक व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई तथा जीप में सवार राजेंद्र कुमार हसन व जीप चालक सुखराम घायल हो गए। बैंक पे मैंने कैसी जमा कराने के लिए जा रहे हैं, जल्दी मैं मेन रोड में फट गए या बैंक साइड में चल जाए तो बचाए। रोड के ऊपर चालती गाटी के ऊपर पेड़ गिर गया, तो इशाक व्यापारी बीच में बैठे हो, पिछली सीट के ऊपर एदम भी के ऊपर पड़े पड़ना हूँ, फिर बाद के मैं दो आज खत्म कौन हो गए इसमें। इशाक व्यापारी आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र। रतनगढ़ पुलिस थाना में आज मारपीट के परस्पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। मारपीट की घटना में 3 लोग चोटिल भी हुए हैं। घायल लोगों में से एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि 58 वर्षीय सरोज ढोली निवासी वार्ड संख्या 2 पड़ीहारा ने रिपोर्ट दी कि वह गुरुवार की रात पानी लेने के लिए जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे जाति सूचक गालियां निकाली तथा उसके व उसके पुत्र के साथ कुल्हाड़ी व डंडों से मारपीट करते हुए अभद्रता की। वहीं दूसरी ओर 32 वर्षीय गोपाल जाट निवासी वार्ड संख्या 2 पड़ीहारा ने रिपोर्ट दी कि उसने 12 अक्टूबर 2022 को गांव की एक लड़की के साथ अंतरजातीय विवाह कर लिया था। तब से ये लोग उससे रंजिश रखने लगे। गुरुवार की रात वह अपनी पत्नी, माँ व अन्य परिजनों के साथ बैठा था कि वे लोग आए तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है।